भगवान ने सबसे कहा कि भैया लो सब हाथ लगाओ, गिरिराज को उठाओ। ग्वाल बाल सब आ गए। मैया यशोदा ने सारे ग्वाल बालों को बुलाया, सबने उठाया। पंखुड़ी के समान श्री गिरिराज जी हल्के हो गए और मेरे बाल कृष्ण 7 वर्ष के कन्हैया अपनी छोटी सी अंगुली पर गिरिराज जी को धारण कर लेते हैं। बोले गिरिराज धारण भगवान की। आओ ग्वाल बालो, अपने समान को, बछड़ों को, गायों को, सबको ले आओ। सबको लेकर के सारी प्रजा आज गिरिराज जी की शरण में आ गई। भगवान की शरण में सारी प्रजा आई। 7 दिन तक उठा करके भगवान ने गिरिराज जी को रखा है। शेषनाग जी ने आकर के बाध लगा लिया है। और तो और अगस्त्य नाम के ऋषि त्रेता युग के, उन्होंने आकर के उस जल का पान किया है। 7 दिन तक भगवान ने गिरिराज उठा करके रखा है। सारे ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया भैया तुमको बड़े दिन हो गए हैं। आवाज नहीं आ रही माइक की। राधे आवाज आ रही है आपको साफ? पीछे तक आ रही? भगवान ने गिरिराज को उठाया, 7 दिन तक उठा करके रखा। ग्वाल बालों ने कहा रे कन्हैया भैया बड़े थक गए होगे काना, अजय थोड़ा सा आराम कर ले। भगवान ने कहा कि मैं आराम करूंगा तो फिर गिरिराज कौन उठाएगा? अरे लाला गिरिराज को तो हमने भी उठा रखा है, देख हमने लठियां लगा रखी है। भगवान ने कहा मैं आराम कर लूं? बोले हाँ। गिरिराज कौन उठाएगा? बोले हमने लठियां रखा रखी है, तो ज्यादा नौटंकी ना कर, किसी के लिए होगा वो भगवान, पर ग्वाल वालों के लिए, ब्रजवासियों के लिए वो काना है, कृष्ण है। काना थोड़ा आराम कर ले। भगवान ने कहा सोच लो। बोले थोड़ा आराम कर ले, आजा हमारे घुटने में आजा। भगवान ने थोड़ी सी की अंगुली को नीचे किया और वो गिरिराज जी भी ने, अरे कन्हैया भैया संभाल 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 संभाल, कोई दब न जाए। भगवान ने फिर अंगुली लगा करके गिरिराज जी को उठाया, ऊपर किया, सारी लठियां टूट गई। इस बात को बड़ी गहराई से समझना। श्री कृष्ण परमात्मा है और अर्जुन से कहा, अर्जुन योग क्षेम वहाम्यहम। कभी आपने, सब किसान लोग हैं, कभी देखा होगा सकते के नीचे किसान जब गाड़ी लेकर के खेत में जाता है तो सट्टे के नीचे नीचे कुत्ता चलता है, गाड़ी के नीचे नीचे, और उस कुत्ते को यह लगता है कि मानो ये गाड़ी जो है वो मेरे सारे चल रही है, और वो उसके नीचे 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 चलता रहे। शायद कभी हमारे मन में भी ये भाव आ जाए कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया है। कई लोगों को बड़ी आदत होती है मैं करने की, मैंने ये कर दिया, मैं वो कर सकता हूं, मैं ये मैं वो, और जहां पर ये चीज आती है वहीं आदमी फेलियर हो जाता है। और जिसने ये भाव रखा हो परमात्मा के प्रति, भगवत भगवान के प्रति कि प्रभु मैं कर रहा हूं पर कराने वाला तू है, तुमने मुझे निमित्त बनाया, तुमने मुझे चुना है, तो आदमी का अभिमान खत्म होता है। पर हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं? बोले दुनिया में कोई अच्छा काम हो जाए और हमसे कोई पूछे कि किसने किया, तो हम छाती ठोक के कहते हैं कि हमने किया। और कोई काम अगर बुरा हो, किसने किया? अरे जी बुरा काम हो किसने किया? बुरा काम किसने किया बोलो ना भाई गोपाल जी, बुरा काम किसने किया? बुरा काम किसने किया? बोले ये तो भगवान की मर्जी थी। अच्छा किसने किया? बोले भैया मैं ही तो था।
अच्छा किसने किया? बोले मैं ही तो करने वाला हूं। हर एक अच्छे काम में हम मैं ढूंढते हैं, उसमें अपने आप को जोड़ते हैं, और जहां बुरा हो जाए बोले भगवान की यही मर्जी थी, उसके आगे किसकी चलती है। अच्छा किसने किया? मैंने किया। हाँ, एक सज्जन हमें मिले, बोले महाराज अभी मैंने, ध्यान देना मेरे भाई बहन, मैंने मैंने तीन बार मैंने और मेरे मामा ने गौशाला में 1,00,000 रुपए का दान किया। 3-4 बार मैं की तो मैंने भी पूछ लिया, मैंने कहा 1,00,000 का दान कहाँ? बोले गौशाला में। मैंने कहा तेरा कितना था? बोले मेरा तो 100 रुपया था। मैंने और मेरे मामा ने दान किया, तेरा कितना था? बोले मेरा तो 100 था सरदार सिंह जी, और मामा जी का ही था बाकी। पहले कौन आया? पहले मैं, फिर मामा जी। मैंने और मेरे मामा जी ने 1,00,000 का दान किया, अरे उसमें तेरा कितना था? बोले मेरा तो 100 रुपया ही था। ये हमारी कंडीशन है, हमारे पास में इतना मुखौटा, इतना दोगलापन है साहब। अच्छा अच्छा कौन करे? हमने किया, ने भी किया हो तो कहेंगे कि हाँ हम वही तो भी थे। और बुरा किसने किया? बोले भगवान की यही मर्जी थी। बुरा करने वाला कौन? बोले भगवान। आज वो लठियां नहीं टूटी है, आज ब्रजवासियों का अहंकार टूटा है।